हैं पूरे कटा हुआ कोई किसी को देख नहीं सका को कि किधर गया हम की दिया कि आज निकल इसको टपका के रहेंगी हम सात डा और तुम्हारे पास कितना डंटा है तुम सक पाये नहीं हम तो सक लेंगे ऐसे कितना खून गिरा हुआ और खून ये पता ही नहीं खून जो गिरा है तो वो हम सब पहले नही जानते थे लोग ऐसे बगल में जो है वो ठीक है अभी हम कुसहा में है यहाँ पे एक हत्या हो जा रहा बीती रात में एक हत्या हुआ है यहाँ पे हम कुछ दिखाने की कोशिश करते बथान है जो सबसे पहले बड़ी बात है अगर युवक रहता तो उसका चलने का बात देखो को युवक कोई गलती किया था उनका साल एज हो रहा है उनके साथ ऐसा घटना हुआ है बहुत बुरा घटना उन सबसे पहले आकर अंदर दिखाएंगे आखिर कैसे घटना हुआ है सबसे पहले देखिए खून भी बहुत नीचे में गिरा हुआ है देखिए यही वो बिछावन वगैरह है जो यहाँ वो जो सोया करते जिनके साथ ये घटना हुआ है यही बिछावन है देखिए इसी बिछावन पे सोया करते थे और यहाँ देखिए खून एकदम लप खून से लतपथ किया हुआ देखिए इनका बेड जो है इनका बिछावन जो खून कितना लगा हुआ सबसे पहले और नीचे दिखाइएगा कि नीचे में देखिए कितना खून गिरा हुआ और खून यह पता ही नहीं किस हिसाब से यहाँ का जो ग्रामीण बताया इनके घर वाले बताए कि कुछ धारधार हथियार से वार किया गया इनके ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए किस हिसाब से देखिए इनका सारा चीज़ देखे सबसे पहले वो देखिए जो जिस हिसाब से रात में सोया होगा जो बिछा जो ओढ़ा होगा देखिए ये देखिए खून से कितना खून से लथपथ है और खून में कितना लतपथ और इनसे कुछ पीड़ित पीड़ित परिवार से भी जानेंगे आखिर कैसे हुआ हुआ घटना चारों तब दिखाइएगा इधर ये बासा है और इनके आज हो घर है इनके आगे घर है और चारों तरफ दिखाएगी इधर इधर बांस है कुछ बासा है नहीं है लोग अपना बासा बना हुआ बासा बना हुआ तो जैसे मान ली बुजुर्ग लोग जो अपने घर पे नहीं सोते अपना बासा रहता है बासा बुजुर्ग लोग अपने बासा पे सोते हैं तो कुछ इनके प्रीत परिवार से आखिर जानेंगे मैटर हुआ क्या आखिर कैसे हुआ इनका कोई दुश्मनी दू या क्या नाम है आपका हमारा नाम भाई ससुराल है हमारा अच्छा मतलब ये कैसे घटना हुआ था यहाँ ये सब जो है ऊपर में ही रखा है ऊपरों से ओढ़लो है ये और नीचों में जो है गद्दा है भटिया है वो सब तीत के वो नीचे में खून गिरा है और वो खून जो गिरा है वो तो हम सब पहले नहीं जानते थे लोग ऐसे बगल में जो है वो उठी के गया बच्चा सबको गर्जा सब निकल के आया तब तो हम सब ऐसे कोने धोने लगे सबको हल्ला करे तब तो सब लोग आए हैं देखे अजी आप आप लोगों का कैसे पता चला कि घटना हो गया है बगल में जो है नी ये बगल में रहता है सुता है ये में वही से वो उसका आवाज आया के चिल्लाया वही ने हल्ला किया सब घर से उठ के आया है अच्छा मतलब कितना रात कितना हो रहा था रात का साढ़े ग्यारह बज रहा है मतलब साढ़े ग्यारह बजे के आसपास ये घटना हो जा रहा है ना? हाँ। जी। 10, दस चालीस अच्छा वही दस चालीस दस ऐसी ग्यारह के आसपास ये घटना बीत गया ना हाँ वो बाबा कमल अकेले यहाँ पे सो सब दिन हाँ या कर अकेले या दस साल से यहाँ सोता है दस साल से अकेले सो अच्छा कोई इसका झगड़ा झगड़ा कोई ना है किसी से ये माल जाल गैया रहता है इधर गै सब को मरता है आज कोई किसी को नहीं मरा गैया ये मतलब देखिए अच्छा वो जो मतलब दस बजे रात में जो देखा कहाँ वो मगर किसी आदमी को नहीं देखा कि कोई मार के गया उसको नहीं देखा ना वो सब नहीं हम सब तो बाद में आए सब लोग

रास्ता धरलिए गीस आदमी भेजलिए गाड़ी से आवाज़ आया ना तो खटखट -खट करने का बगल वाला दादा है तो वो चिकर चिकर कर बोल रहा था तो क्या हुआ क्या हुआ तो आवाज़ निकलेगा तभी तो ना बोलेगा तो आवाज़ नहीं निकला इसने नहीं बोला तो खटखटा बंद जब हुआ तो आया वो देखने के लिए आया तो सकते देख के उसको भी देखा तब तो दौड़े यहाँ बाहर आया तो सबको जनाया कि वहाँ पे मार दिया फिर मुँह उगाड़ के देखा कि ब्लेट से पूरा रत बहत है तब तो इधर से तुरंत गए तो सब इधर से गया तो तब तो वहाँ पर देखा फिर उधर से पुलिस उलिस को कंफर्म कर दिया है देखिए इन लोग इनका जो फैमिली वाले हैं इनका देखिए एज इन उनका जो जिसके साथ घटना हुआ है उनका एज तिरपन साल है और तीन पच्वन साल के आसपास आस पीड़ित परिवार का इनका रो रो लोग का बुरा हाल इन लोग से आगे जा, जानेंगे सारे दस के ग्यारह बजे के बीच में रात हो रहा अच्छा ये बता सकते कि किसी के साथ दुश्मनी या कुछ हो सकता है क्या नहीं खाली जमीन का है जमीन का और कुछ नहीं झगड़ा झूठी नहीं हुआ है मतलब की जमीन जगह का पहले से विवाद है क्या बोले Okay. पहले से जमीन जगह विवाद चल रहा था mm -hmm. इस जगह आया था पुलिस फोर्स जो है सरकारी और प्राइवेट सब नोपी कर निकल आया था mm -hmm. इसलिए पार्टी ने अपना सब ने दिया जवाब इसलिए उसने धमकी दिया कि आज नहीं कल इसको टपका के रहेंगी हम सात डंटा है और तुम्हारे पास कितना डंटा है न है तुम सक पाओगे नहीं हम तो सक लेंगे ऐसे धमकी देने लगा क्योंकि मेरा भाई सब रहता है बाहर में दोए गो प्पा है मेरा पापा और बड़े पापा दो ये गो यहाँ पे रहता है इसीलिए हरदम धमकी देता है तो इसीलिए सोचा अभी पाया तो मार दिया वो मतलब अकेले सब दिन अकेले से होते हाँ अकेले से है मतलब वो उनका गाय वगैरह पीछे रहता था हाँ हाँ ये देखिए मतलब ये ज़मीन जगह का मैटर हो और कुछ भी हो सकता है इस इनको प्रीत परिवार से हमें जानने के बाद पता चला कि जमीन का मैटर था कुछ भी और भी मैटर था इन लोगों का कुछ जो धन इनका जो इनका जमीन का मैटर इनको धमकी दिया जा रहा था कि हम ये थे वो तो ऐसे कर कर इसके बारे में आप लोग क्या निर्णय लेते हैं और प्रशासन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचे था पुलिस प्रशासन देखते अपराधी को कितने दिन के अंदर में गिरफ्तार करते या क्या करते हो सके इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद